जय हिंद साथियों, सैनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, डिफेंस पेंशनर्स का स्पर्श में माइग्रेशन चल रहा है और प्री 2016 का भी अब माइग्रेशन स्टार्ट हो चुका है। बैंक से स्पर्श में माइग्रेशन होते ही डिफेंस पेंशनर्स को बैंक से एक मैसेज मिलता है कि एज पर PCDA डायरेक्टिव्स योर पेंशन हैज बीन माइग्रेटेड टू स्पर्श। ये मैसेज आने के बाद उस पेंशनर को बैंक से पेंशन नहीं मिलेगी, अब उसकी पेंशन आएगी डायरेक्टली PCDA से। ये मैसेज तो बैंक के जरिए प्राप्त हो चुका है, लेकिन इसके बाद जो भी कार्रवाई होगी उसके सभी मैसेज जो है स्पर्श के थ्रू आएंगे। उसके लिए ज़रूरी है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी PCDA के स्पर्श पोर्टल में रजिस्टर होना, और वो मोस्टली रजिस्टर नहीं हो पाता है क्योंकि पुराने पेंशनर का डाटा PCDA में अपडेट नहीं है। तो दूसरा साथियों, मैं यहाँ पे तरीका बताता हूँ कि आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर ना होने की वजह से आपको जो स्पर्श का PPO नंबर भी नहीं मिल पाता, तो उसके लिए जो सबसे सिंपल तरीका है कि आप अपना स्पर्श का PPO नंबर कैसे जाने, उसी का मैं लाइव डेमो आपको यहाँ पे इस वीडियो में दिखाऊंगा। और जब आप अपना स्पर्श का PPO नंबर जान लेंगे तो आप स्पर्श की वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल नंबर भी स्पर्श पेंशन पोर्टल में आपके प्रोफाइल में ऑनलाइन अपडेट कर पाएंगे। तो आइए मैं आपको कंप्लीट स्टेप बता देता हूँ कि आपको अपना स्पर्श का PPO नंबर कैसे जानना है, हाउ टू नो स्पर्श PPO नंबर। इसके लिए सबसे पहले आप PCDApension.NIC.in इस वेबसाइट को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ओपन कर लें। उसके बाद आप जब थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे इसको, तो नीचे आपको माइग्रेशन के दो ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे दो टैब दिखाई देंगे, पहला है स्पर्श माइग्रेटेड PPO और दूसरा है माइग्रेशन इनटू स्पर्श। इन दोनों ऑप्शन में जो कार्रवाई है वो सेम रहेगी। आप किसी भी एक ऑप्शन, जैसे कि यहाँ चेक आइडेंटिफिकेशन स्टेटस या नीचे जो चेक स्टेटस है, इनके ऊपर क्लिक कर दें। तो मैं जैसे ही चेक स्टेटस के ऊपर क्लिक करूँगा तो इस प्रकार का एक इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें आपको सेलेक्ट ऑप्शन फॉर सर्च स्पर्श PPO नंबर, इसके नीचे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन नज़र आएंगे, ePPO नंबर, आर्मी नंबर और तीसरा बैंक अकाउंट नंबर। इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को आपने चूज करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे आर्मी नंबर को चूज कर रहा हूँ। और आर्मी नंबर को यदि चूज किया है तो नीचे आपने यहाँ पे आर्मी नंबर एंटर करना है, और यदि बैंक अकाउंट को किया है तो बैंक अकाउंट करना है। और जो तीसरा ऑप्शन है ePPO नंबर, ये तो सबसे सिंपल है कि आर्मी नंबर, आर्मी नंबर के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ऑप्शन वैल्यू के अंदर अपना सही आर्मी नंबर एंटर करना है, जैसे मैं यहाँ पे आर्मी नंबर एंटर कर रहा हूँ। आर्मी नंबर एंटर करने के बाद आपको सबमिट करना है। देखिए, मैंने आर्मी नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया। इसके बाद नीचे यहाँ पे आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा, इमेज वेरिफिकेशन में ऊपर लिखे हुए कैप्चा कोड को डालना है। इतनी कार्रवाई करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। करने के बाद फिर आपने देखना है कि आपके सामने कौन सा डाटा अवेलेबल हुआ है। ये देखिए साथियों, जो नो योर स्पर्श PPO एंड आइडेंटिफिकेशन स्टेटस दोनों यहाँ पे नज़र आएगी, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन होता है साथियों लाइफ सर्टिफिकेट। माइग्रेशन होने के बाद में PCDA आपकी बैंक से भी जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो अपडेट स्पर्श में कर सकता है, अदरवाइज वहाँ से नहीं हो पाता है। तो आपको माइग्रेट होने के 2 महीने के अंदर अंदर अपना लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा से जमा करना होगा स्पर्श के PPO नंबर के साथ।
अब कौन कौन सी जानकारी आपको यहाँ पर नज़र आएगी, सबसे पहले जो जिस काम के लिए आपने ये इतना कार्रवाई किया वही आपका पूरा डाटा यहाँ पर दिखाई देगा। ओरिजिनल PPO नंबर यानी EPPO नंबर, आइडेंटिफिकेशन, लाइफ सर्टिफिकेट जो स्टेटस है वो यहाँ पे दिखा रहा है आइडेंटिफिकेशन कम्प्लीटेड। तो यहाँ पे कम्प्लीटेड नज़र आता है तो आपको दोबारा से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन इनकम्प्लीट यानी आपको बताया कि तुरंत ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की ज़रूरत है, तो आपको इस पर्स के PPO नंबर के साथ में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है। तीसरा आपका यहाँ पर नाम आएगा, फिर जिस चीज़ के लिए आपने सर्च किया है वो इस पर्स PPO नंबर आपको यहाँ पर नज़र आएगा। उसके बाद आपने जो आर्मी नंबर डाला था आपको पता ही है, और लास्ट में आपका बैंक अकाउंट नंबर का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे नज़र आएगा। इस प्रकार आप अपना इस पर्स का PPO नंबर जान पाएंगे। और इस पर्स में माइग्रेशन के बाद आपकी कार्रवाई इस पर्स के PPO नंबर से ही शुरू होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊँगा, अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि इसके बाद आप यदि आपके पास में यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मिला है तो आप किस प्रकार अपना यूजर नेम और पासवर्ड ऑनलाइन PCDA की वेबसाइट के जरिए प्राप्त कर पाएंगे। तो इस पर्स का PPO नंबर जानने का ये था सबसे सिंपल तरीका। इस तरीके से जिन जिन का इस पर्स में माइग्रेशन हो चुका है वो अपना इस पर्स का PPO नंबर ज़रूर जान लें और उसको नोट करके रख लें, क्योंकि अब के बाद इस पर्स के PPO नंबर से पहले के जितने भी PPO है वो कोई काम के नहीं रहेंगे। जो भी कार्रवाई आपकी पेंशन से संबंधित होगी वो आपके इस पर्स के PPO नंबर के जरिए ही होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।